हेलो दोस्तों, मैं हूँ बीपी कुमार झा और आप देख रहे हैं बीपी झा मित्रा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैंने ये वीडियो डाला है क्योंकि मैं कई दिनों से गांव में हूँ, जो कि बिहार स्थित गांव है मेरा, मधुबनी ज़िला में। तो ये मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो, जो मेरा गाँव का ब्लॉग हो, वो वीडियो बना के मैं आप लोगों को दिखाऊँ मेरा गाँव का कुछ दृश्य। तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, ये मेरा गांव है, गांव के बीच एक बांध दिखा होगा, बांध के सामने नदी है। ये मेरा गांव का कुछ दृश्य है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप जहाँ भी मेरे गांव में देखोगे पक्की सड़क मिलेगा, जो कि कहा जाता है कि बिहार में रोडों का बहुत परेशानी होता है, रोड नहीं होते हैं, लेकिन आप देख सकते हो मेरा ये गांव है, इस गांव में आपको पक्का रोड मिलेगा। ये ग्राहक सेवा केंद्र है सेंट्रल बैंक का, जो गांव में ही है, तो ये भी एक फ़ायदा होता है हमारे गांव में। उसके बाद देख लो, मैं अपने गांव का रोड वगैरह दिखा रहा हूँ, सारे पक्के रोड है। आप मेरे गाँव का कुछ दृश्य वगैरह देख सकते हो आप। ज़्यादातर आपको पक्का घर ही मिलेगा, जो कि आमतौर पर गाँवों में कम देखने को मिलता है, लेकिन आप हमारे गांव में बिल्कुल देख सकते हो ज़्यादातर पक्का घर ही है। ये एक हमारे गांव का एक छोटा सा मंदिर है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हो। अगर मेरे वीडियो में आपको कुछ परेशानी होता है या कुछ अच्छा लगता है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आजकल जो आप देख रहे हो कि गाँवों में धान का फसल हो रहा है, तो धान में से जो चावल निकालता है उसी का मशीन है। ज़्यादातर लोगों ने देखा भी नहीं होगा जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, क्योंकि शहर वाले ज़्यादातर ये मशीन देखा नहीं होगा। तो आप ये वीडियो देख लो आप। इसमें ऊपर से धान डाला जाता है, नीचे से चावल आता है, जो आपको वीडियो में दिख रहा होगा। उसके बाद और भी कुछ जो अभी फ़िलहाल जो दिल्ली से बिहार बस चलती है, उसमें एक ऑफिस हमारे गांव में भी है, जो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आप देख सकते हो गांव का कुछ दृश्य वगैरह मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा। आपको मेरा गांव कैसे लगा है कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं दोस्तों। छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है हमारा गांव। उसके बाद दोस्तों चलते हैं गांव के बाहर में, जहां आपको गांव के, या अभी तक आपने जो भी देखा है गांव का अंदर का सीन है, मैं आपको गांव का बाहर देख रख सकते हो आप। मेरा रूपोली गांव है, जो आपको बोर्ड में दिख रहा होगा स्पष्ट रूप से। उसके बाद चलते हैं आगे। ये आते हैं दोस्तों गांव के बाहर में, जहाँ बाग होता है, पेड़ वगैरह होते हैं, वो आपको दिखाऊँगा मैं। जैसे कि आप जानते हो गांव ज़्यादातर हरा भरा ही होता है, शहर जैसा बिल्कुल ही नहीं होता है, बिल्कुल शांत होता है वो गांव। आजकल आपने देखा होगा बिहार में कि नीतीश कुमार ने जल योजना का सुचारण किया हुआ है, तो उसी का ये वीडियो है। सॉरी, ये वीडियो नहीं, ये आप देख सकते हो, ये पानी टंकी वगैरह लगाया हुआ है, उसी योजना का हिस्सा है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों हमारे गांव के स्कूल की तरफ, जो आपको दिख रहा होगा ये हमारा गांव का स्कूल है, जो बागों के बीच में, हरा भरा बाग होता है उसके बीच में हमारा गांव का स्कूल है। मैं स्कूल अंदर आपको ले जाके बोर नहीं करना चाहूँगा दोस्तों। उसके बाद चलते हैं रोड की तरफ, ये हमारा गाँव का मेन रोड है। ये रोड प्लस बांध भी होता है, क्योंकि हमारे गाँव के साइड में नदी है, तो नदी के पानी को रोकने के लिए ये बांध है। ये बांध के ऊपर से मेरे गांव का कुछ दृश्य है, जो आपको दिख रहा होगा। ये गांव के सामने नदी आपको दिख रहा होगा दोस्तों। नदी में फिलहाल अभी पुल बन रहा है, ये छोड़ जब बाढ़ आता है तो ये नदी फुल हो जाता है, कहीं आपको ज़मीन दिखाई नहीं देगा, चारों तरफ पानी पानी होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों।